अंजलि अरोड़ा को जरूरत है इस समय मुनावर की, तो क्या मुनावर करेंगे उनकी हेल्प और किस चीज में चाहिए, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। भाई देखिए, हम सभी ये बात जानते हैं कि मुनावर और अंजलि ने हर बार इस बात को कहा है कि मुनावर मेरे अच्छे दोस्त हैं, अंजलि मेरी अच्छी दोस्त है। इस बात को उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में दोहराया है, लेकिन आज असलियत में अगर देखा जाए तो सच में एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है अंजलि को, क्योंकि अंजलि इन दिनों मुंबई में है और मुंबई में फ़िलहाल तो वो एक होटल में स्टे कर रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो दरअसल मुंबई में ही शिफ्ट होना चाहती हैं, क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइनअप हो चुके हैं। म्यूज़िक वीडियो खुद मुनावर के साथ में भी उनकी आने वाली है। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ अंजलि अरोड़ा दिल्ली से मुंबई रोज़ाना ट्रैवल तो नहीं कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें मुंबई में घर की ज़रूरत है। आपको बता दें कि अंजलि इन दिनों अपने लिए घर भी ढूंढ रही हैं, तो ऐसे में क्या मुनावर सामने से आके एज अ फ्रेंड अंजलि की मदद करेंगे कि अंजलि के लिए वो कोई घर ढूंढ कर देंगे या किसी भी तरीके से उनकी कोई मदद करते हुए नज़र आएंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ कि अभी तक जितना हमने देखा है लॉकअप से बाहर आने के बाद, मुनावर ने अंजलि के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं रखा है। इनफैक्ट जब से नाजल का जो सिनेरियो है वो पूरा का पूरा सामने आया है, उसके बाद से तो ऐसा लगता है कि मुनावर और अंजलि एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अनजान है। ये वही मुनावर और अंजलि हैं जिन्हें लॉकअप शो के अंदर देखकर किसी को ये नहीं लगा कि इन दोनों के बीच में लव एंगल नहीं है। शो के ख़त्म होते ही बाहर आने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों अनजान हैं, दोनों साथ में एज अ कंटेस्टेंट भी जैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि अंजलि अली के साथ में नज़र आ रही हैं या फिर मुनावर प्रिंस के साथ में नज़र आ रहे हैं, ऐसे नज़र भी नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुनावर को मदद करनी चाहिए सामने से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए अंजलि को घर ढूंढवाने में हेल्प करनी चाहिए? वेल, आप बताइए नीचे राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्म विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे सही सारी खबरें ऑन टाइम।